चिपक गई। अरे ये तो चिपक गई जी। Thank God and thank you. तूने मेरे लिए ये सब बाद में कर लेना भाभी जी। पहले उस इच्छा खोती को घर से बाहर तो निकाल लें। पहले मैं अपनी ब्रांड न्यू देवरानी के गले तो लग जाऊं। ओ जी भाभी जी, आप गैर मर्द से गले लग रहे हो। साडा प्यार आज गहरा हो गया है सरदार जी, तुसी सानू जच गए। जी तो पर खुल के गले मिलो। छोड़ दो सरदार जी, मुझे शर्म आ रही है। जी किस बात की शर्म? मोटा भाई, मोटा भाई, मोटा भाई रुकिए, मोटा भाई। हे भगवान, वो कहीं ये तो नहीं समझ रही कि तुम धत। सुनिए सुनिए अभी जी, कहाँ जा रहे हो आप? मुझे बताना तो पड़ेगा ना कि तू गुड़िया है। अरे वो सबको बता देंगे और सारा प्लान चौपट हो जाएगा। अरे मैंने नहीं बताया तो मैं चौपट हो जाऊंगी। वो पता नहीं क्या सोच रहे हैं। सोचने दो, जब इच्छा घर से चली जाएगी ना तो हम खुद ही भांडा फोड़ देंगे। भांडा मतलब मेरे पड़ोस में रहने वाले मिस्टर भांडा। नहीं जी, मैं तेरे पड़ोसी को क्यों फोड़ूंगी? मुझे तो पता भी नहीं कि उसका नाम मिस्टर भांडा है, इसलिए तुम्हें बता रही हूँ। शॉर्ट, अब समझ गई ना भाभी जी? चुप कर गुड़िया। पता नहीं वो क्या समझ रहे होंगे। अरे अब समझने को बाकी क्या बचा है, तू हट यहाँ से। मोटा भाई आप ये तीसरी बार ऊपर जा रहे हैं और सिर्फ बा बा चिल्ला रहे हैं। बा मोटा भाई, बा बा के अलावा आगे भी तो कुछ बोलिए। बाबा ब्लैक शिप। चुप रहे, तुझे मजाक सूझ रहा है प्रवीण? तुझे पता है बा को जब इस बात का पता चलेगा तो उन्हें कितनी तकलीफ होगी? पता मत चलने दीजिए ना, राज को राज ही रहने दीजिए। क्या मतलब? मैं भी उस सरदार को एक्सेप्ट कर लूं, उसे जाके मैं ये कहूं कि मैनू भी तुसी जज गए। जज लॉयर जो भी हो तू जा। मोटा भाई, मेरा मतलब है कि हाँ सही कह रहे थे अनीश कुमार कि मैं इच्छा को इतनी जो अहमियत दे रहा हूँ उससे लीला को कितनी तकलीफ होती होगी। अब उस तकलीफ का एहसास हो रहा है मुझे। मोटा भाई, आप लीला भाभी पे शक क्यों कर रहे हैं? शक नहीं, यकीन कर रहा हूँ प्रवीण, क्योंकि मैंने देखा। मोटा भाई, हो सकता है कि वो पंजाबी ना हो? इसके पंजाबी ना होने से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है प्रवीण, मुझे प्रॉब्लम ये है कि वो आदमी है। हो सकता है कि वो आदमी भी ना हो? तो क्या वो घोड़ा है, हाथी है, डायनासोरस है? नहीं नहीं, मेरा मतलब ये है कि हो सकता है कि वो औरत हो। याद है आपको, मैं भी एक बार औरत बना था हेमल की हेल्प करने के लिए, याद है? मेरा नाम प्रतिमा उसगांवकर है। अब मेरे बा नहीं है? नहीं। तो किसके बा है? हीराली की बा है? हाँ हाँ, मैं हीराली की बा हूँ। अब मैं जाऊँ ऊपर? जाओ। अरे कभी दुशासन का रोल नहीं किया क्या तूने? हाँ बाबा, हाँ करते ना। ए मफतलाल, साड़ी की घड़ी करके हमारे रूम में जाके प्रवीणा की अलमारी में रख देना। हाँ? अब कपड़े क्यों नहीं चेंज कर लेते हैं? अब क्या पहनूं मैं? अच्छा एक काम कर, जा मेरे कमरे में जा और मेरे कपड़े ले आ जा। अरे वहां तो बा बैठी है, पूछेंगे कि मैं आपके कपड़े लेके क्यों जा रहा हूँ तो क्या जवाब दूंगा? एक काम करता हूँ, पहले ये ब्लाउज खोलने दे मुझे ना, अनकंफर्टेबल हो रहा है के, अरे हेल्प करना जल्दी जल्दी। प्रवीणा भाभी, मुझे कोई सफाई नहीं चाहिए सुबोध भाई। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि उस नाटी कमीनी, वो प्रवीण भाई है, वो प्रतिमा सचमुच प्रतिभाशाली है। पहले मुझे नकली फिनाइल बेचा और अब आप लोगों पर अपनी प्रतिभा दिखा रही है। वेरी गुड। आपको यकीन नहीं आता तो चलिए मैं दिखाता हूँ। तब पता चला था किसी को? जब तक कि मैंने खुद ने नहीं बताया। लेकिन प्रवीण, अगर वो औरत है तो इस तरह सरदार बनने की क्या जरूरत है उसे, बता ना मुझे। नहीं नहीं नहीं, अरे मोटा भाई, मोटा भाई रुकिए तो सही। मोटा भाई, हो सकता है जैसे हेमल हेमलता बना था वैसे ये भी। तो फिर
लीला बाहर आकर सच्चाई बता क्यों नहीं देती? नहीं नहीं नहीं, मतलब साफ है प्रवीण, वो सरदार सरदार ही है और लीला अभी तक उसके साथ। मुझसे ज्यादा बर्दाश्त नहीं होता अब। मोटा भाई, हम खुद जाके पूछ लेते ना। पूछना है तो जाके तू पूछ, मैं तो चला कुलदेवी की शरण में। अरे मोटा भाई, अरे अरे मोटा भाई रुकिए, लीला भाभी मोटा भाई सुसाइड करने जा रहे। रुकिए। 11:35 लीला, इस बार डायरी में तुम्हें लिखना पड़ेगा। नुकसान मत कीजिए, मोटा भाई डूब नहीं पाएंगे, पानी बहुत कम है। देखिए हाँ हाँ कर रहे हैं। तू हंस क्या रहा है प्रवीण, पानी डाल कुएं में। अरे रुकिए, आप रुकिए, ले लीजिए, पकड़िए बाल्टी, पकड़िए। नहीं नहीं लीला, नहीं चाहिए बाल्टी मुझे। मोटा भाई फिर से डूबने की ट्राई कर रहे हैं। मोटा भाई इतने पानी में सुसाइड नहीं होगा। समझ लूंगा कि चुल्लू पर पानी में डूबा। हाल है। अरे क्या बोल रहे हैं आप, पकड़िए रस्सी, आइए ऊपर, आइए पकड़िए मोटा भाई। हाँ और मोटा भाई ऊपर आते वक्त सारे सिक्के लेते आना, नवरात्रि में बहुत सारे सिक्के डाले गए हैं, 5 रुपए के 2 रुपए के सब ले लेना। प्रवीण भाई आपको भी ऐसे टाइम पर पैसों की पड़ी है। चलो भाई खींचो, चलो मदद करो, चलो मेरी मदद करो। ओ सरदार जी आइए रस्सी खींचिए, चलो जरूर खींचेंगे जी। जोर लगाओ, लगाओ जोर, जैसे घी के पराठे खाए। थैंक यू, जान बचाने के लिए थैंक यू। इट्स ओके मोटा भाई। अरे तुझे नहीं, मैं इनसे कह रहा हूँ। ओजी। ओजी नहीं, अभी आपको कूदना पड़ेगा पापा जी, क्योंकि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती है ना लीला। अब क्या आप भी ठीक कह रहे हो जी, हटो मुझे कूदने दो। छोड़, कहाँ कूद रही है तू, उतर। कूद रही है मतलब क्या? ये सरदार नहीं है, ये अपनी गुड़िया है। गुड़िया मतलब ये लीजिए। पहले ये बताइए आप कुएं में कूदे क्यों? मोटा भाई को ये लग रहा था कि आपने जो सरदार जी को गले लगाया ना, उसके लिए जिम्मेदार खुद है। क्या? अब तुम मुझे ये बताओ कि तुमने ये नाटक क्यों किया? अब ये भी बता दीजिए। अब इच्छा को घर से भगाने के लिए। क्या? हमारा प्लान ये था कि गुड़िया मिस्टर नागालैंड कॉन्टेस्ट का ऑर्गेनाइजर बन के आए और इच्छा को इनवाइट करे जज बनने के लिए, ताकि इच्छा जाए नागालैंड और हमारे घर में शांति हो। इच्छा के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश की आप लोगों ने, वो बिचारी आपको कहाँ खटक रही है भाभी? वो आप लोगों को बेचारी लग रही है, यहाँ खटक रही है। शादी में शरीक होने के बहाने शादी करने आ गई है शादीशुदा भाइयों से। छी 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 छी, तुम कितना बेहुदा इल्जाम लगा रही हो उस बेचारी मासूम पर लीला। मासूम? क्या हुआ? ये दाढ़ी मूछ फिर से क्यों लगा रही हो?
अभी प्लान पे अमल हुआ का है जी? अब होगा। उस इच्छाधारी नागिन को यहाँ से भगाने में आप दोनों हमारी हेल्प करेंगे, वरना जय श्री कृष्ण लीला भाभी। इतनी सब मेहनत करने की क्या जरूरत थी? एक बार मुझे कहकर तो देखा होता, मैं खुद ही चली जाती। अरे ये तो बात बिगड़ गई मोटा भाई, दिल टूट गया बेचारी का, किसी भी तरह जोड़ना तो पड़ेगा ही। चलिए हटो। सुनो इच्छा, मत जाइए ना इच्छा बेन। देखिए आपको अपने उन देवी देवताओं की कसम, जिनके दर्शन करने आप हर 10 दिन में विदेश जाती है, विदेशी बाबा कीजिए। जाना है तो शाम को चली जाना, अभी जाएंगी तो लीला भाभी को लगेगा कि उनकी साजिश की वजह से जा रही है। हाँ तो उनकी साजिश की वजह से ही मैं जा रही हूँ बेबी, मुझे सीधा सीधा आके नहीं बोल सकती थी चली जा, मैं चली जाती। तुम तो जानती हो मैं इतनी ट्रांसपेरेंट हूँ, इतनी ट्रांसपेरेंट हूँ कि पता है भाभी, मैं एक बार तंजानिया गई थी दर्शन करने, वहाँ के लोगों को मेरी लैंग्वेज समझ में नहीं आती थी, फिर भी मैं जो भी कहना चाहती थी वो सब समझ जाते थे। हाँ तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज है ही इतनी ट्रांसपेरेंट। वही तो। अच्छा वो सब छोड़ो, रुक जाइए ना, मैं समझाऊं? नहीं अभी तुम जाओ, कल सुबह आना। मैं समझा रही हूं ना। देखो दीदी, समझाओ समझाओ, तुम ही समझा सकते हो अपनी दीदी को। समझा ना। तुम कितनी खूबसूरत हो तुम जानती हो ना? मैं क्या करूं, वो तो मैं हूं ही। तुम जानते हो जब मैं तंजानिया गई थी दर्शन करने, तब लोगों ने देखा कि जब मैं पानी पीती थी तो मेरे गले के आर पार दिखाई देता था, और दैवी शक्ति होगी उस पानी में। इच्छा बेन मेरे लिए भी थोड़ा मंगवा दीजिए ना। नहीं नहीं वो, अरे इनको छोड़ो, मैं समझ गई, तुम्हारा गला भी ट्रांसपेरेंट है। हाँ बिरजू अब। हाँ ठीक है, तुम इतनी खूबसूरत और जवानी, बोलो बोलो, जवानी बोलना है ना तुम्हें? हाँ जवान, तुम्हारे जैसी खूबसूरत जवान और अग्रेसिव औरत के लिए भाई बोलने के लिए ही सही, फिर भी औरतों को थोड़ी इनसिक्योरिटी होती है ना। वही तो मैं कह रही हूँ। अब भाभी आज तक कभी मेरी चाल चलन में कोई कमी थी? नहीं नहीं क्या बोल रही है? मैं तो अपने भाइयों को ज्ञान देती हूँ, उन्हें प्यार देती हूँ, दुलार देती हूँ, उनके अंदर छुपा हुआ उनका वो हुनर दिखाती हूँ कि वो कितने टैलेंटेड है। और अब इनका एग्जांपल ले लो, ये इतने स्मार्ट है, इतने हैंडसम है, इनके मसल्स इतने, मैं समझ गई आगे अच्छे हैं। अब मैं वही कहना चाहती हूँ कि फिर भी मैंने क्या कभी तुम्हें उस नजर से देखा क्या? बिल्कुल। तुम इतनी नाजुक और क्या क्या हो, वो बेबी तुम्हें बाद में बता देगी, तो बीवियों को ऐसा लगता है ना। देखो मैं छोटे भाई की हैसियत से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मत जाओ, वरना इस शादी के माहौल में सारे के सारे लोग दुखी होंगे। देखो बिरजू, मेरे मन में तुम्हारे लिए बहुत प्यार है, बहुत दुलार है, लेकिन मैं नहीं रुक सकती, नहीं रुक सकती। मैं यहाँ मेरे चरित्र पर लांछन लगाया है, अगर कोई कहे कि मेरी सुंदरता नष्ट हो जाए मैं बर्दाश्त कर लूंगी, अगर कोई कहे मेरा ड्राइवर कम बॉडीगार्ड भाग जाए मैं बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन मेरे चरित्र पर लांछन
पे लांछन में बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं जा रही हूँ। रुक जाइए इचाबेन, मेरी बच्चे की डिलीवरी तक तो रुक जाइए, 20-25 दिन है। आप कहाँ जा रही, छोड़ो ना, कहीं वो सच्ची रुक गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। और बिरजू क्या 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 हा? कि सब दुखी हो जाएंगे, यहाँ सब खुश है, समझे? इच्छा, अब तुम ज्यादती कर रही हो। मैंने जो कुछ भी कहा उसे एक भाभी का मजाक समझ के माफ कर दीजिए। अब आप इतनी शर्मिंदा हो रही है और इतनी जिद कर रही है तो ठीक है, मैं आपको माफ कर देती हूँ और रुक भी जाती हूँ। और वैसे भी मैं सारे भाइयों को निराधार छोड़ के कैसे जा सकती हूँ, उनमें कितनी टैलेंट छुपी है वो भी तो मुझे निकालनी है ना। और आपने देखा नहीं अनीश कुमार ने कैसे झटके से मेरा पैर ठीक कर दिया, ऐसे कैसे मैं उनको छोड़ के जा सकती हूँ? कहाँ है मेरे भाई? चीजें जिंदगी में कभी नहीं बदलती चारूबाला बेन, उन्हें साथ लेकर जिंदगी जीनी पड़ती है। मोटा भाई, मोटा भाई ऐसे नहीं, ऐसे। पगली पगली, देखो इच्छा, इधर इधर। मैं भी देख रही हूँ। चारूबाला बेन, डिंपल की शादी तक तो ये देखना ही पड़ेगा। हाँ, लेकिन बाद में? बाद की बाद में देखेंगे। कंट्रोल, अभी चलें, डिंपल की शादी की तैयारियां करें। प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।